मोदी की विजय हो। स्वागत है श्री राम, जय श्री राम। मैं हूं हितेंद्र, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आज अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक है और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। श्री राम प्रतिष्ठा के लिए बस चंद घंटों का इंतजार है, बस महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। देशवासियों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वीवीआईपी मेहमानों का अयोध्या पहुंचना लगातार जारी है। वीवीआईपी मेहमान जिनको निमंत्रण भेजा गया है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, लगातार ये सिलसिला जारी है। और 23 जनवरी से सभी राम भक्त मंदिर में पहुंचकर के दर्शन कर पाएंगे। आज का दिन बेहद अहम, बेहद अहम है आज का दिन। जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, 500 वर्षों से भी ज्यादा का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है राम भक्तों का। आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी गर्भगृह में। तो इसको लेकर के न सिर्फ देशवासियों में बल्कि विश्व भर में जहां जहां भी राम भक्त रहते हैं वहां पर वो लोग खुशी मना रहे हैं। आज दिवाली मनाएंगे राम भक्त। करोड़ों लोगों की आस्था है भगवान श्री राम में और आज का ये दिन दिवाली की तरह मनाया जाएगा। और लगातार जिस तरह से अयोध्या में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, कुछ वैसा ही माहौल पूरे देश भर में, हरियाणा में भी इसी तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के पलवल में, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। दिनेश, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? आज कहीं ना कहीं 2024 की पहली दिवाली मंदिर में दिख रही है। जिस तरह से आज अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लंबे अरसों बाद में, वर्षों बाद में लोग जो इंतजार कर रहे थे कब राम मंदिर बने, तो उसको कहीं ना कहीं वो घड़ी आज आ गई है। आज जो लोग हैं वो मंदिरों में जुटे हुए हैं, लोग जो अयोध्या पहुँचे हैं, लोग लाखों भक्त जो है टीवी पर, अपना करोड़ों भक्त टीवी पर कार्यक्रम देखेंगे। मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं, मंदिरों में भंडारे की तैयारी की जा रही है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, टेंट लगा दिए गए हैं अधिकतर मंदिरों पर। फिलहाल हम पलवल के सबसे बड़े प्राचीन मंदिर पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जिस किस तरह की तैयारियां की जा रही है, पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है। हालांकि यहाँ के महंत को अयोध्या 2 दिन पहले ही पहुंच चुके हैं, उनके मंदिर से अयोध्या से कार्यक्रम के लिए निमंत्रण आया था। आप देख सकते हैं जिस तरह से भक्तों में उत्साह का माहौल है, सुबह 6 बजे से बड़ा भक्त आने शुरू हो गए थे भक्तों। तो जिस तरह से छोटे दिवाली से कहा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह भक्तों में बना हुआ है। जो झांकियां निकाली जा रही है, कल यहाँ पर देवप्रीति का शोभा यात्रा निकाली गई, छोटे छोटे बच्चे जो झंडा लगाकर अपनी साइकिलों पर कहीं ना कहीं पलवल से अयोध्या के, इसी तरह पूरे हरियाणा में जो है राम में का माहौल है, पूरे देश में राम ही राम ऐसा जो माहौल बना हुआ है। क्योंकि लंबे अरसे बाद इंतजार किया जा रहा था, तब वो घड़ी आई जब कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण हो, आज वो समय आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा जो है जो शुरू कार्यक्रम होगा अयोध्या में, उसके लिए पूरे देश से निमंत्रण है, विदेशों के भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में जो अम्बास्त्र पलवल के प्राचीन जो मंदिर पंचवटी की, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल आप घड़ी आई है, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, क्या किस तरह का माहौल आज देश में? आज देश में जो है पूरा देश राम में हो रहा है। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी तस्वीरें हम नहीं देख पा रहे हैं, कुछ तकनीकी कमी है, आपके पास फिर से वापस आऊंगा। लेकिन लाजपत हमारे संवाददाता रिंगस राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? सोनीपत से मंदिरों के लिए यात्रा निकली है, उस यात्रा के साथ हम मौजूद हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो श्याम बाबा का जो मंदिर है उसके नजदीक है, जो जगह है,
ये यात्री जो है ये सभी सोनीपत से है, मेरे साथ मौजूद है। और आज तो राम मंदिर का उद्घाटन है, उसको लेकर काफी बड़ी खुशी है, क्योंकि राम मंदिर जो बनाया गया है वो पहली बार ऐसी दिवाली मनाने का प्रयास है। सभी लोगों में खुशी है, अपने घर से सब निकल चुके हैं, जो छोटे बच्चे थे उनको अपने घरों में छोड़कर खुशी मनाने के लिए निकल चुके हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है। आज राम मंदिर का उद्घाटन है, कितनी खुशी, बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी है, कैसे मना रहे हो? बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं, सब पूरा देश मना रहा है। तो अब मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, उससे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप उनसे नजदीक आइए। आज कितनी खुशी है आपको, क्योंकि पहली बार राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और काफी खुशी होती है। जैसे दिवाली मनाई जाती थी, अब आज का दिन जो है रात को जगमगाएगा, देश एक अलग खुशी में होगा। और आप अपने घरों को छोड़कर मंदिरों के जो दर्शन करने के लिए निकले हैं, तो कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था में, जो भगवान राम की याद में उनकी जन्मतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा देश सतयुग की तरफ चला जा रहा है, सच्चाई है, सतयुग है, ये सतयुग का आरंभ है, जो राम के नाम पर इतनी खुशी मनाई जा रही है। अयोध्या में, अयोध्या में आज करोड़ों की संख्या में लोग देश विदेश से पहुंच चुके हैं, अपने घरों को छोड़कर अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी मंदिरों की परिक्रमा करते हुए खाटू श्याम तक जा पहुंचे हैं। देखिए महिला में कितनी खुशी है, इन्होंने बताया कि अयोध्या में आज करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, और अभी जो है खाटू जी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, अनेक मंदिरों में जाएंगे। और भी मौजूद व्यक्ति है हमारे साथ, मासूम बच्चा है इनके साथ, और खुशी है काफी बड़ी, छोटा बच्चा है और पहली बार कहीं ना कहीं मंदिरों के दर्शन करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आज इतनी बड़ी खुशी है, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार होता है वो पूरा देश मनाता है, लेकिन आज कितनी बड़ी खुशी है? आज बहुत बड़ी खुशी है, हमारे राम जी के दिन पर से फैला हुआ है। जन्मदिन है इसका, देखिए बच्चे का जन्मदिन है और राम मंदिर का उद्घाटन है, काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी खुशी है। मासूम बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और इसका जन्मदिन और राम मंदिर का उद्घाटन जी। और यात्री जो है हमारे साथ मौजूद है, आप थोड़ा सा आगे आइए। बिल्कुल लाजपत, चलिए बहुत शुक्रिया। तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई, खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और दिनेश भी हमारे संवाददाता पलवल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आप बताइए, जो आप श्रद्धालुओं से भी बातचीत करना चाह रहे थे, श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए और बताइए कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में। और हरियाणा की तो हरियाणा के कई शहरों में जो शोभा यात्राएं कल निकाली गई, आज भी शोभा यात्रा निकल रही है। मंदिरों में आज जो भंडारे हो रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, हम यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे शामों से किस तरह का माहौल है आज, जिस तरह से वर्षों से इंतजार किया जा रहा था कब अयोध्या में मंदिर बनेगा, आज जो कार्यक्रम वो शुभ घड़ी आ गई है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज जो शुरू हो रहा है, वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी यजमान रहेंगे आज वहाँ मंदिर में, क्या कहोगे आप? ये एक हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक अच्छा समय आया है, जो कि इतने सालों के बाद जो हाँ राम जी अपने मंदिर के अंदर पधारे जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और ये समझो कि आज से एक नई दिवाली की शुरुआत होने जा रही है, पूरे मंदिरों को सजाया गया है, पहले से बहुत तैयारी चल रही है मंदिरों में, जगह पहले से मंदिरों की धुलाई सफाई शुरू हो गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई दिवाली आने वाली है, 2024 की पहली दिवाली से कहा जा सकता है जब राम नई दिवाली, ये नई दिवाली की शुरुआत होने जा रही है बहुत ही, और जगह जगह जो है रैलियां निकाली जा रही है, झांकियां निकाली जा रही है। कितना जोश है इस राम मंदिर को लेकर, कितना जोश बना हुआ भक्तों के, भक्तों में इतना जोश है, सुबह चार बजे से यहाँ मंदिर आने लगे हैं, टेंट वेंट लगा दिए, साफ सफाई करी है लोगों में कल से, और हमारे ऋषि महाराज जी वो अयोध्या जी गए हुए हैं, अयोध्या जी प्राण प्रस्थान में यहाँ के, वो अयोध्या में हाँ, वो अब क्या क्या कार्यक्रम होंगे, भंडारे होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, धार्मिक कार्यक्रम क्या होगा यहाँ, राम गान का खूब मतलब ये
कीर्तन होगा, भंडारा होगा और लोग बहुत ही लोग आए कल से, कितनी भीड़ थी। लोगों के अंदर किस तरह का माहौल है जो राम मंदिर को, किस तरह का माहौल राम में हो रहा है पूरा देश, आज हरियाणा की बात करें, आज बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक की घरों पर झंडे लगा रहे हैं, यात्रा में शामिल हुए, शोभा यात्रा निकाली गई, घर घर में दीपक जलाए जाएंगे, हर घर में झंडे लगाए गए हैं राम जी के, और मंदिरों में बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। ये कि हम इसको ब्याह नहीं कर सकते, इतने हमें जो है आज का जो दिन है हमें बहुत ही शुभ और बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। और हमारे जो भक्त लोग हैं अभी हम भंडारा भी करेंगे, अभी हमारे थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, भजन कीर्तन होने शुरू वाले हैं, और हमारे जो और महाराज जी हैं वो भी अपने लोग सीधा मंदिर में पहुंचेंगे, टीवी पर कार्यक्रम देखना जाता है, ज्यादातर तो लोग मंदिर में जाएंगे और घर बैठे जिनके बड़े बूढ़े गुजरक हैं वो घर से देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, टीवी पर देखेंगे पूरा प्रोग्राम। हमारे लिए इतना गौरव है आज का दिन, अब हम अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते इतना मतलब है। जिस तरह से लोगों ने कहा कि जी कुश्ती का गौरव का उसको बयां नहीं कर सकते, सुबह 4 बजे से पनवेल के पंचवटी मंदिर पर भक्तान यहाँ पर शुरू हो गए थे, इसी तरह दूसरे मंदिरों में भी भक्तों का आना शुरू हो गया है। जो है मंदिर में शहर की बात करो तो शहर में बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जो जानकारी आपने दी और श्रद्धालुओं से भी बात की, खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों में। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ गए उचाना से। प्रदीप, उचाना में किस तरह का माहौल है आज? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस दिन का इंतजार राम भक्तों को था और वो इंतजार आज कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, कुछ समय में बाद यहाँ पर हवन शुरू होगा और हवन के बाद यहाँ पर भंडारा लगाया जाएगा। कल यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई थी और ये जिस चौक की तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है, इस चौक का नामकरण भी किया गया है, इसको आज श्री राम के नाम से जाना जाएगा, इस चौक को श्री राम चौक के नाम से जाना जाएगा। जो कुछ साथी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी जानकारी ले लेते हैं किस तरीके का क्या कुछ कार्यक्रम अभी यहाँ पर होने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है। क्या जयराम सर, सर सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ तैयारियां चल रही है, 4 बजे हलवाई आ गए थे, खाने की व्यवस्था पूरी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे देखो आप पीछे देख रही होंगे 8:30 बजे से हवन चालू हो जाएगा, फुल जोरों शोरों से काम है। जय श्री राम, जय श्री राम जी। कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है राम भक्तों में, इतना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ हम अपने मन से बता नहीं सकते हमारे अंदर कितना उत्साह है। श्री राम जी के भजनों से मगन है, सुबह से लेकर रात को हम सोए नहीं है, पूरी रात हमने ऐसी गुजार दी है। सुबह भंडारा चालू होगा, अब हवन होगा, हवन के तुरंत बाद इस चौक का नाम श्री राम चौक रख दिया जाएगा। श्री राम चौक रखने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किया जाएगा, जिसे इस चौक को श्री राम के नाम से जाना जाएगा। ये हम वर्षों से देख रहे थे श्री राम जी कब आएंगे, श्री राम जी कब आएंगे, आज वो दिन आ चुका है जब हमारे श्री राम जी अयोध्या में आ रहे हैं। उस चीज को देखते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर और भी साथी उनसे पूछ लेते हैं, कब से लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का, कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? जय श्री राम, कई वर्षों से उचाना की जनता को, हमारे भारत की जनता को इसका इंतजार था और जो आज हम खुश नसीब हैं कि हमें ये दिन देखने का मौका मिला है। आज इस उपलक्ष्य में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया है, थोड़ी देर बाद हवन स्टार्ट होगा, उसके बाद भंडारा स्टार्ट होगा, सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम ये दिन देखने को मिल रहा है। जी देखिए, राम भक्तों की बात करें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत उत्साहित हैं। सुबह 4 बजे से तैयारियां यहाँ पर चली हुई हैं, यहाँ पर अभी हवन होगा और भंडारे का जो कह सकते हैं कि थोड़ी देर में भंडारा शुरू हो जाएगा और इस चौक का नामकरण श्री राम के नाम से किया जाएगा। कल शाम को यहाँ पर कलश यात्रा भी निकाली गई थी, कलश यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर महिलाएं भी उसके अंदर शामिल हुई, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है उचाना, और उचाना के अंदर निरंतर जो है तैयारियां चली हुई हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जो जानकारी आपने दी और जो तस्वीरें आपने दिखाई, तो हिंदुस्तान जिस तरह से लगातार भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तत्पर है और इसी तरह की तस्वीरें हरियाणा में भी अलग अलग जगहों से सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा अब महोत्सव है आज और
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस तरह से देशवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, आज दिवाली की तरह जश्न मनाने की तैयारियां जो है वो जगह जगह पर की गई हैं। घर घर में आज दिवाली जैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर क्षेत्रीय स्तर की अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय मंदिर है उनको भी सजाया गया है, साफ सफाई की गई है, सजाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसी तरह का आह्वान किया था कि हर जगह पर मंदिरों में, अपने आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करें। तो वो जो अभियान है उसका असर देखने को मिला देश भर में, और मंदिरों में साफ सफाई की गई। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर भी कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम, उसी को लेकर के उत्साह पूरे देश भर में, और देश भर में जिस तरह का उत्साह है उसी को देखते हुए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, गाँव में, हर जगह पर इसी तरह से जश्न मनाने की तैयारियां जो है वो की गई है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ये बड़ी खबर, मुख्य यजमान पीएम मोदी होंगे। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम, और 10:55 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:20 से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को संबोधित भी करेंगे पीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन करोड़ों राम भक्तों के लिए, करोड़ों सनातनियों के लिए। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बेहद महत्वपूर्ण है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 500 वर्षों से भी ज्यादा का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो दोपहर 12:20 शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि, दोपहर 12:20 पर। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें अयोध्या की। अयोध्या जिस तरह से सजकर तैयार है, वीवीआईपी मेहमान वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से सजाया गया है अयोध्या को, अयोध्या का जो सौंदर्यकरण किया गया है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। जिस तरह से पूरी की पूरी रामनगरी सज धज कर तैयार, और वीवीआईपी मेहमान जिनको बुलाया गया है, जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लगभग 4 घंटे का समय बाकी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। जिस तरह से समय जो सामने आया, सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी, उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे, वहां पर दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि जो है वो शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज देश को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले कुछ दिन पहले भी वहां पर पीएम मोदी पहुंचे थे और बड़ी सौगातें दी थी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन भव्य तरीके से सजाए गए हैं, भव्य तरीके से, भव्य रूप उनको दिया गया है राममय, ताकि लगे अयोध्या में एयरपोर्ट पर पहुंचते ही और अयोध्या जंक्शन पर पहुंचते ही ऐसा लगे कि राममय हो गया है माहौल। इस तरह की भव्यता एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी दी गई है। तो वहीं भव्य राम मंदिर सज धज कर तैयार है, और आज वो दिन, आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होगी और वो भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। 23 जनवरी से आम लोग, आम जो भक्त हैं, वो भी वहां पर जा पाएंगे दर्शनों के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लगभग 500 वर्षों से भी ज्यादा का इंतजार जो है वो राम भक्तों को करना पड़ा। जिस राम से भारत की पहचान, जिस राम के नाम से होता है शुरू हर काम, आज तक उसी राम का अपना स्थान नहीं था, लेकिन अब ये शुभ घड़ी आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के भव्य मंदिर में आज होने जा रही है।
करोड़ों भक्तों के लिए भावुक कर देने वाला पल होगा। 12:20 पर शुभ मुहूर्त जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना जो है वो शुरू होगी और अभेद्य सुरक्षा 7 लेयर की सिक्योरिटी है, 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर होंगे। आज का दिव्य क्षण, भव्य क्षण जब आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, श्री राम का स्वागत करने के लिए सभी देशवासी आतुर हैं, तत्पर हैं, उत्सुक हैं। जिस तरह से विश्व भर में आज के दिन को लेकर के तैयारियां की गई हैं और अयोध्या की अगर सुरक्षा की बात करें तो 7 लेयर सिक्योरिटी है, 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, CRPF की 6 कंपनियां, PAC की 3 कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई हैं, SSF की 9 कंपनी है, ATS की 1 यूनिट है, STF की 1 यूनिट है, 300 पुलिसकर्मी अलग से। तो अयोध्या की अभेद्य सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अयोध्या में 37 लोकल इंटेलिजेंस की टीमें, 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड हैं, 2 एंटी सबोटाज स्क्वाड हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तो जिस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, अयोध्या की अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी शरारती तत्व वहां पर अपने मंसूबों को कामयाब ना कर पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और इसे भव्य रूप देने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए। तो प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन है, ऐतिहासिक ये दिन, 22 जनवरी का दिन। दिवाली इस साल 2 मनेंगी, एक दिवाली आज और एक दिवाली अपने समय पर। भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे थे लंका विजय के बाद, तब दिवाली मनाई गई थी और एक दिवाली आज, तब 14 वर्ष का वनवास था और आज 500 वर्षों से भी ज्यादा का वनवास खत्म होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है, ऐसा कमाल का, हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसमें सब पूरा भारत, जबकि पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं तल्लीन हैं, महमीन हैं। दिवाली दोबारा आई हुई है, ये दिवाली है असली दिवाली पूरे भारत में। और अयोध्या जो जय श्री राम। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। 10,000 CCTV लगाए गए हैं, 12 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। सरयू तट पर भी कड़ी सुरक्षा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, एक ऐतिहासिक दिन, बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, और इसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। CCTV कैमरे लगाए गए हैं, सरयू तट पर भी कड़ी सुरक्षा। और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। हरियाणा न्यूज पर आप बने रहिए, कहीं मत जाइए, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मोदी की विजय हो।